Hello everyone, welcome here in English class. Today we will read chapter 7. The name of the chapter is The Open Window of Your Supplementary Book. So without wasting our time, we will start our chapter. Chapter 7, The Open Window. Here some points are given in the scene first. Femten Neutral had bad nerve. Femten Neutral ki jo nerve thi, wo zyada kamzor thi. Second is, she retires to the country for cure and calls on a family friend. The lady being busy upstairs, her young niece refer to a family mishap with focus on the open window. जो मिस्टर फ्रेंडली न्यूटन हैं वो अपने पास के एक नेबरहुड के पास गए हैं जो कि उसको एक फैमिली फ्रेंड भी बोल सकते हो और जो वहाँ पर जो लेडी है वो ऊपर किसी काम में बिजी है जब तक जो उसकी नीज है उसकी जो भतीजी है वो उसको अपने फैमिली के अंदर जो भी मिसहैपनिंग हुई है उसके बारे में बताती है. नाउ द चैप्टर, माय आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर न्यूटन. मेरी जो आंट है वो अभी नीचे आ जाएंगी मिस्टर न्यूटन. सैड अ वेरी सेल्फ पॉजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15. ये किसने कहा? एक बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट जो लड़की थी 15 साल की, उसने ये बात मिस्टर फ्रेंटन न्यूटन को कही. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. इस दौरान जब तक मेरी जो आंट है वो नीचे नहीं आती है ऊपर से, जब तक आप क्या करो, मेरे साथ बैठो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. फ्रेंटन न्यूटन एंडवर्ड टू से something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the art that was to come. Frampton Newton जो थे उन्होंने tried किया कुछ कहने के लिए, बात करने के लिए, and जो थी जो नीड थी उससे बात करना start की. Privately he doubted more than ever whether these former visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब जो फ्रेंटन न्यूटन जो थे वो अभी प्रेजेंटली वहाँ पर रहने के लिए आए थे, तो वो उस जगह से बिल्कुल नए नए थे, वो उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे. तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी के साथ बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होता, कि जब उसकी नीज ने 15 साल की लड़की ने बात करने के लिए कहा तो उसे वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, मतलब वो अच्छा सा फील नहीं कर रहा था, उसका हिचकिचाहट हो रही थी उसके अंदर. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. लेकिन उसकी सिस्टर ने इसको बताया था कि वहाँ पर सब कुछ कैसा है, मतलब वो जहाँ आया है वो उसकी सिस्टर के थ्रू ही आया है. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than if ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there, some of them as far as I can remember were quite nice. वो क्या ये है जो फ्रेंटन न्यूटन की जो सिस्टर है उसने इसको एक लेटर लिखा है, उसने इस लेटर के अंदर जो है अपनी मतलब जो जगह पर जहाँ पर फ्रेंटन न्यूटन गए हैं उसके बारे में, वहाँ पर जो भी लोग हैं उनके बारे में बताया है, जिनको जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम नए नए वहाँ पर जा रहे हो तुम उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेंटन न्यूटन है उनको बैड नर्व थे. So Frampton wondered whether Mrs. Sackleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the ninth division. जो Frampton Newton है वो wonder करते हैं कि जिसके बारे में उसकी बहन लेटर के अंदर लिखा था वो थी Mrs. Sackleton, जो एक लेडी थी और जिसका इंट्रोडक्शन उनको लेटर के थ्रू मिला था. So do you know many of the people around there? कि क्या तुम और भी कई और दूसरे लोगों को यहाँ पर जानते हो? Asked the niece. Niece ने पूछा कि हमारे अलावा तुम और भी यहाँ पर जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको जानते हो? When she judged that they had sufficient silent communion. जो when she judged, जब वो बात कर रही थी, पूछ रही थी, तो हमारे बीच में बिल्कुल ही खामोशी भरा जो कम्युनिकेशन था वो हो रहा था. Hardly a soul, said Frampton. हमने कहा बहुत मुश्किल से गिने चुने लोगों को ही. My sister was staying here some 4 years ago. मेरी बहन यहाँ पर रहकर गई है लगभग 4 साल पहले. And she gave me letters of introduction to some of the people here. और उसने मुझे लेटर दिए हैं यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए. He made the last statement in a tone of distinct regret. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady.
फिर वो कहती है कि आपको जो भी बताया गया है वो प्रैक्टिकली मेरी आंटी के बारे में नहीं है, अपने आप को मतलब काम रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की उनको बताती है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द स्कॉलर, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इनका ही नाम दिया गया है और इनका ही एड्रेस दिया गया है। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस एप्लेटन वॉज इन द मैरिड और विडोर्ड स्टेट, वो अभी तक वो वंडर थे कि वेदर की जो मिसेस एप्लेटन है वो विधवा है, विडो है या वो मैरिड है। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मस्कुलिन हैबिटेशन, जो उनका जो रूम था वो भी क्या था मतलब जो कैसा दिखा जो सजेस्ट कर रहा था कि वो बिल्कुल एक मस्कुलिन हैबिटेशन के अंदर रहती है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 ईयर्स अगो, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी सिर्फ 3 साल पहले, सेड द चाइल्ड। चाइल्ड ने कहा दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, ये तुम्हारे जब तुम्हारी बहन यहाँ रहती थी ये उस समय की बात है। हर ट्रेजेडी आज कंसर उनकी ट्रेजेडी क्या हुई थी, समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। यू मे वंडर व्हाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. अब वो कहती है कि यहाँ पर मतलब चीजें होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो वो कहती है कि क्या तुम्हें जो उनके लॉन उनके हॉल से एक विंडो खुल रही थी लॉन की तरफ, वो पूछती क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि जो हमने विंडो है खुली छोड़ रखी है इस अक्टूबर मंथ के अंदर भी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैंकलिन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, ये बहुत ही गर्म समय है लोग इस टाइम के साथ इस ईयर का, सेट फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने कहा, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन क्या एक खिड़की का कुछ संबंध उस ट्रेजेडी के साथ में। आउट थ्रो दैट विंडो 3 ईयर्स अगो टू अ डे हर हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डे शूटिंग, इसी खिड़की के थ्रू जो उसके उसका जो हस्बैंड था वो उसके जो दो भाई थे वो यहाँ से गए थे शूटिंग के लिए। दे नेवर केम बैक, और वो कभी वापस नहीं लौटे। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड देयर दे वर ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्रेंचरस पीस ऑफ बॉग, इट हैड बीन दैट ड्रीटफुल वेट समर यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, दैट वॉज द ड्रीटफुल पार्ट ऑफ इट। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नॉट एंड बिकेम फ्लटरिंगली ह्यूमन, अब वो कहती है कि यहाँ से ये जो विंडो थी यहाँ से इनके जो मिसेस एप्लेटन है उनके हस्बैंड और उनके दोनों भाई यहाँ से बाहर गए थे शूटिंग के लिए, वो वापस कभी नहीं लौटे, नहीं पता उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ इस दर्दनाक इस गर्मियों के समय में भी, और यहाँ की जो जगह है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इन दिनों, विदाउट वार्निंग यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, तो उनकी बॉडीज भी रिकवर्ड नहीं हुई, मतलब उनकी बॉडीज भी हमको नहीं मिली। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है, हिस्सा है मिसेस एप्लेटन की। तो अब जब वो बात कर रही थी तो वो अपना सर जो उसका कॉन्फिडेंस था मतलब वो उदास होकर बिल्कुल इस चीज़ को बोलने लग जाती है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, मेरी जो गरीब मतलब गरीब यहाँ मतलब जो इकोनॉमिकली गरीब नहीं है वो इमोशनली बता रही है कि जो मेरी जो गरीब जो मेरी आंट है वो हमेशा सोचती है कि इस विंडो के थ्रू एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों भाई वापस आ जाएंगे। एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और उनके साथ साथ एक हमारा छोटा ब्राउन स्पैनियल भी चला गया था, उन्होंने जाने के लिए बेसिकली वो विंडो का ही यूज करते थे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्ट, और इसलिए हर शाम तक ये जो हमारी जो विंडो है पूरी तरह से खुली रहती है, इस उम्मीद में खुली रहती है कि शायद एक दिन वो यहाँ से वापस आ जाएंगे। पुअर डियर आंट शी हैज ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी व्हाई डू यू बाउंस, वो कहती है कि मेरी जो आंट है वो मुझे अक्सर बताती रहती है कि किस तरीके से इस खिड़की से बाहर उनके हस्बैंड यहाँ से गए थे। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास जो है एक वाइट कलर का वाटर प्रूफ कोट था जो उन्होंने अपने आर्म्स के ऊपर अपने कंधे के ऊपर रखा हुआ था, एंड रोनी जो उनके उनका भाई था
वो गाना गा रहा था वाई डू वी बॉर्न, बल्कि वाई डू वी बॉर्न ऐसे आलवेज डिड टू टीज हर, वो हमेशा ये गाना गाता था उसको उसको परेशान करने के लिए मिसेस सेपरेटन को, बिकॉज शी सेड इट गोट ऑन हर नर्व, डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। क्या तुम्हें पता है कि कई बार मुझे भी ऐसा अजीब सा फील होता है कि शायद किसी दिन वो इस खिड़की से वापस आ जाएंगे। Now the scene second. She broke off with a little shudder. It was a relief of to Fenton when the aunt bustled into the room with a word of apology for being late in making her appearance. अब जो लिटिल जो लड़की जो बोल रही थी वो चुप हो जाती है। It was a relief to Fenton क्योंकि अब उसकी जो नीच थी उसकी बातों को सुनकर Fenton को वहाँ पर डर लगने लगा था, क्योंकि गोस्ट की तरीके से बात, वो जैसे गोस्ट आते हैं उनके तरीके से बात आने लग गई थी उनको, तो इस वजह से उसको डर लग रहा था। लेकिन अचानक से जब जो एंटर होती हैं मिसेस सैपलेटन नॉर्मली एक आवाज के साथ एंटर होती हैं, तो ये चीज फैमिलियर को सुकून देती है और वो उनसे माफी मांगती है, अपोलोजाइज करती है उनकी वहाँ पर लेट आने के लिए। आई होप वेरा हैज बीन अम्यूजिंग यू शी सेड, वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि औरा ने तुमको बिल्कुल आनंददायक रखा होगा, मतलब तुम्हें बोर नहीं होने दिया होगा। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फैमिलियर, फैमिलियर ने कहा ये बहुत दिलचस्प है। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Templeton briskly. Mrs. Templeton ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। My husband and brothers will be home directly from shooting. वो जल्दी ही मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं वो वापस आते ही होंगे शूटिंग से। And they always come in this way, और वो हमेशा इस खिड़की से ही अंदर आते हैं। They have been out of sight in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like You man fox isn't it? कि वो क्या करते हैं, उनके पैर जो होते हैं कीचड़ के घसे हुए होते हैं और वो आते हैं तो यहाँ पे मैशअप कर देते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो बेसिकली कहाँ से आना पसंद करते हैं, विंडो के थ्रू आना पसंद करते हैं। शी रेटल ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैर्सिटी ऑफ वर्क एंड द प्रॉस्पेक्ट फॉर डस्ट इन द विंटर। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। ही मेड अ डेस्पिरेट बट ओनली पार्टियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गेस्टी टॉपिक। अब जो सुनता है तो उसको अजीब सा लगता है, क्योंकि नीज तो कह रही थी कि वो मर चुके हैं 3 साल पहले ही, लेकिन अब मिसेस फ्रैम्पटन कहती है कि ये खिड़की इसलिए खुली है क्योंकि यहाँ से वो लोग आने वाले हैं। तो जो मिस्टर फ्रैम्पटन थे वो पजल हो जाते हैं इस चीज़ को सुनकर कि ये क्या हो रहा है। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक से बात ना हो। ही वॉज कॉन्शियस डेट ही वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. अब जब वो मिसेस सेपरेटन जब बात कर रही थी तो उनका कंटिन्यू बात तो मिस्टर फ्रैम्पटन से कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार लॉन की खिड़की की तरफ ही जा रहा था। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. अब वो सोचता है कि ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि सही आज ही के दिन, आज मतलब उसको सही 3 साल हुए थे उनको गए हुए, अकॉर्डिंग टू द नीज कि उनको 3 साल हुए थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, कॉन्फिडेंस है कि उसी एनिवर्सरी के दिन मैं यहाँ पर आया हूँ। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कम्प्लीट रेस्ट, डॉक्टर्स ने मुझे कम्प्लीट रेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था एन एबसेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और हमें मुझे बिल्कुल मेंटली कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और मुझे आसपास में जो वायलेंट जो शोर चलाने वाली चीजें होती हैं उनसे भी दूर रहना है, अनाउंस फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली विद पर्सिव्यूशन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्विटेंसेस आर हंग्री फॉर द लीक डिटेल ऑफ वन एलिमेंट एंड इन्फॉर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। उसने आगे बताया, अब मतलब फ्रैम्पटन अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे जो बीमारी है मुझे उसके डॉक्टर ने यहाँ पर भेजा है कि ताकि मैं खुली हवा में रह सकूँ और मुझे अपने स्ट्रेंजर्स के साथ में जाकर बात करनी है, मतलब मैं उनसे बात कर सकूँ, मतलब मुझे मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, नए नए लोगों से मिलना है। नो सर मिसेस सेपरेटन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। अब अचानक से जो मिसेस सेपरेटन वो बोल पड़ती है नहीं, देन शी सडनली ब्रेकन इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। Here they are at last, she cried, just in time of for tea and don't they look as if they were muddy up to the eyes. अब वो फ्रैम्पटन को रिप्लाई नहीं दे रही, वो किसी और चीज को देखकर चिल्लाई, किस चीज को देखो, वो बोलती है Here they are at last, लो ये आ गए।
शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाई, जस्ट इन टाइम फॉर टी, सिर्फ बिल्कुल सही चाय के समय पर, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईब्रोज, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल ही टीचर में धंसे हुए लग रहे हैं. क्रैम्प एंड शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड्स द नीज विद अ लुक इंटेंट टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन. अब जो फ्रैम्पटन था, क्योंकि उसको नीज ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लग रहा था कि ये तो बहुत आगे तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नीज की तरफ देखने लग जाता है. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज. अब वो जो नीज है वो भी अपने आंखों में डर लिए खिड़की की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है. इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक इन द सेम डायरेक्शन. बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह अपनी सीट से मुड़कर वो लॉन की खिड़की की तरफ देखने लग जाते हैं उसी डायरेक्शन में जिसमें कि मिसेस टेपलेटन जो थी वो देख रही थी. इन द डिपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड द विंडो. दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म. फिर वो मुड़कर देखता है तो क्या दिखाई देता है कि तीन आदमी थ्री फिगर्स आ रहे हैं जो अपने लॉन को क्रॉस करते विंडो की तरफ बढ़ रहे हैं. सभी के पास क्या है गन्स है, उनके आंखों ने अपने अपने हाथों में गन्स ले रखी हैं. एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर. और उसमें से एक ने व्हाइट कलर का कोट अपने शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है. आई टायर्ड ब्राउन पैनल कैप क्लोज एट देयर हील्स नर्सलेसली दे नियर द हाउस एंड देन आई हर्ड यंग वॉइस चैंटिंग आउट ऑफ द डस्ट. आई से बटी व्हाई डू यू बाउंड. फिर जो है मतलब धीरे धीरे उसको फील हो रहा है कि वो जो तीनों जो पर्सन है वो खिड़की की तरफ बढ़ते आ रहे हैं. सो फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैड द हॉल डोर द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेट इन हिज हैंडलॉन्ग रिट्रीट. अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन. अब जो है फ्रैम्पटन बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसको सब क्या दिखाई दे रहा था, उसको लग रहा था गोस्ट है भूत है. तो उनको देखकर वो अपने आप मतलब अपनी स्टिक को जो पकड़ता है अपने हेड को पकड़ता है वहां से भागता है. हेयर वी आर माय डियर सेड द बियर ऑफ वाइट मैकनेल कमिंग इन थ्रू द विंडो. वो आकर बोलते हैं लो हम आ गए खिड़की से अंदर आकर बोलते हैं. हु आर दैट हु बोल्टर्ड आउट एज वी केम अप. ये कौन था कि जो हमें आता देख ऐसे ही भाग गया, मतलब एक मैनर्स नहीं था ये कि हम आए और वो हमसे बिना मिले ऐसे ही चुपचाप ही भाग गया. अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर न्यूटन. उसने मिसेस सेपरेटन ने कहा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे मिस्टर न्यूटन. ही कुड ऑनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गॉड. ही कुड ऑनली टॉक. उसने सिर्फ बात की किसके बारे में, अपनी बीमारी के बारे में बात की. एंड उसके अलावा सिर्फ उसने क्या किया गुड बाय किया और अपोलॉजी किया और व्हेन यू अराइव कि जब तुम आए अचानक से तो उसको वो ऐसे भाग गए यहाँ से उसको कोई भूत नजर आ गया. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियर सेड द नीज कामली. जो नीज थी उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया हो. ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग क्योंकि उसको जो है डॉग से डर लगता है क्योंकि उन तीनों के साथ जो नाम था डॉग का जो नाम था वो भी उनके साथ अंदर आ रहा था स्पैनियर. सो ही वॉज ऑन हंटेड इन टू अ सेमेट्री सम वेयर ऑन द बैंक ऑफ गैंग बाय अ पैक ऑफ डॉग. एक बार उनको कई कुत्तों ने घेर लिया था, उनके पीछे पड़ गए थे. एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव द क्रिएचर्स स्नार्लिंग एंड ग्रीनिंग एंड फॉर्मिंग डस्ट अबाउट हिम. और उन डॉग्स की वजह से उनको एक पूरी रात एक डस्टबिन के अंदर गुजारनी पड़ी थी जहाँ पर कि कई टाइप के क्रिएचर उनके ऊपर से घूम रहे थे कीड़े मकोड़े जैसे कि. इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व. और ये बहुत काफ़ी है मतलब क्योंकि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका था तो वो डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए डर गए और इसलिए उन्होंने ऐसा किया. तो ये नॉर्मल सी चीज़ है. रोमांस हैज शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी. उनका जो फाइंडिंग एक ओकेजन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, एक ओकेजन पे फन और एंजॉयमेंट को डिस्क्राइब करना ढूंढ लेना ये उनकी स्पेशलिटी थी. तो राइटर इज साकी एच एच मुनरो. ये साकी है मतलब एक पद लिया गया है कल से एच एच मुनरो के लेख से. तो ये जो स्टोरी थी ये थी ओपन विंडो. इसमें क्या था, एक आदमी है मिस्टर फ्रैम्पटन न्यूटन जिसको कि बैड नर्व्स हैं मतलब वो डरता बहुत जल्दी है, मेंटली इल है वो. तो उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि तुम यहाँ मतलब जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं दूर जाओ, स्ट्रेंजर्स से मिलो, उनके साथ बातें करो, तुम्हें मतलब कम्प्लीटली रेस्ट करना है और मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है. तो उसको जो उसकी सिस्टर है वो उसको बताती है कि तुम वो जहाँ पर रहती थी पहले 3 साल पहले कि तुम वहाँ जाकर रह सकते हो. और वो कुछ एक लेटर देती है जिसके अंदर कुछ
कुछ टेलीफोन नेम्स और अनिवत के जो होते हैं वो उसको देती है। उसको लेकर जो मिस्टर न्यूट्रल पेंटन थे वो आते हैं वहाँ पर उस जगह पर। तो उसके अंदर सबसे पहला जो नाम था वो था मिसिस सेपरेटन का। तो मिसिस सेपरेटन के से मिलने के लिए वहाँ पर उनके घर जाते हैं। तो मिसिस सेपरेटन किसी काम से ऊपर अपने किसी काम में लगी हुई थी, तो उनकी जो नीस थी वो वहाँ पर थी। उससे कहती है कि आज कि अभी मेरी जो आंट है वो ऊपर कोई कुछ काम कर रही है, तब तक आप मेरे साथ बैठ कर बातें कर सकते हो। अब वो लड़की थोड़ी शरारती थी तो वो उसको उनको डरा देती है। वो कहती है कि क्या तुम जानते हो, मतलब अभी तक जो मिस्टर फैंटन थे उनको डाउट था कि जो मिसेस सेपरेटन है वो मैरिड है या विडो है। तो वो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि हमने एक खिड़की लॉन में जो खिड़की खुल रही है हाउस के अंदर वो हमने जो खुली रखी थी अक्टूबर के मंथ में भी, जबकि इतना गर्म है बाहर सब कुछ। तो वो कहता है कि नहीं इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो उसको बताती है कि जो मिसेस सेपरेटन है उनके जो हस्बैंड थे वो और उनके दोनों भाई यहाँ इसी खिड़की के थ्रू शूटिंग के लिए बाहर गए थे और उसके बाद वो वापस कभी नहीं लौटे। इनफैक्ट उनकी बॉडी डेड बॉडी जो होती है वो भी उनको नहीं मिली। तो मिसिस सेपरेटन जो है वो ये सोचती है कि इस खिड़की को अगर हम खुला रखेंगे तो किसी न किसी दिन, उनको एक होप है कि किसी न किसी दिन वो तीनों वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये सब सुनना सुन रहा होता है मिस्टर फैंटन जो सुन रहे होते हैं, तो उनको डर लगने लग जाता है क्योंकि एक तो उनको बीमार तो वैसे थे मेंटली, तो उनको डर लगने लग जाता है। तभी क्या होता है कि मिसिस सेपरेटन जो थी वो नीचे आ जाती हैं। वो जहाँ ऊपर अपस्टेयर्स में काम कर रही थी वहाँ से वो नीचे आ जाती हैं और वो उनसे बैठ कर उससे बात करने लग स्टार्ट करती हैं। वो कहती है कि मेरी नीज ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा होगा, तुम्हें अच्छा एंटरटेन किया होगा मुझे उम्मीद है, और मेरे लेट आने के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि आप आए मुझे आपको मेरी वजह से यहाँ पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। फिर वो उसको अपने बीमारी के बारे में बताता है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है और ऐसे ऐसे मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे मेरी सिस्टर ने नंबर दिए थे ताकि मैं यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल फील कर सकूँ। तभी जब आता है अचानक से मिसिस सेपरेटन की नज़र उस विंडो ओपन विंडो के ऊपर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है कि लो आ गए ये भी, कि ये भी आ गए और जो है ये डॉग के साथ में है वो तीनों, कि लो ये भी आ गए चाय के टाइम तक आ गए। तो जो मिस्टर फैंटन थे वो बहुत डर जाते हैं, वो सोचते हैं किसके बारे में बात कर रही हैं ये। तो मुड़कर देखते हैं तो उधर से उनको तीनों मतलब जो मिसिस सेपरेटन के जो हस्बैंड थे वो और उनके जो दोनों भाई थे वो उनको आते हुए दिखाई देते हैं। अब उनका जो पेरेंट्स था वो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा कि उनकी नीज ने बताया। उनकी नीज ने बताया था कि वो दोनों भाई गए हैं, वो गाना गुनगुनाते हुए आते और जाते हैं और जो उनके हस्बैंड हैं उनके पास गन है और उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर व्हाइट कलर का फरीकोट रखा हुआ है और वो पूरे मड़ी होकर आते हैं, कीचड़ में धंसे हुए आते हैं। तो उन्होंने ये बताया था उनको। तो जैसे ही वो देखते हैं उनका अपीयरेंस बिल्कुल सेम जो डिस्क्राइब नीज ने किया था बिल्कुल वैसा ही था, तो उनको लगता है कि कोई घोस्ट आ रहा है, वो डर जाते हैं उनको देखकर। तो वो जैसे ही मतलब वो एंटर करते हैं वो फटाफट से अपनी हैट और स्टिक को जोर से पकड़ के डर के मारे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो जैसे ही मिसिस सेपरेटन के हस्बैंड अंदर आते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन मैनरलेस इंसान था कि मैं यहाँ हम लोग यहाँ आए और वो हमसे बिना हाय हेलो बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए। तो मिसिस सेपरेटन कहती है कि पता नहीं क्या था इन्होंने से वो मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे ये, क्योंकि नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि शायद ये मुझे तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने भूत देख लिया, इस तरीके से डरते नहीं आते भाग गए, उन्होंने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में उनसे बात की हमें बताया। तो उनकी जो नीज थी वो बात को सुधारते हुए शरारती ढंग से कहती है कि हाँ वो डर गए थे, उन्होंने मुझे बताया था जब हम बात कर रहे थे कि वो उनको डॉग से फोबिया है, डॉग से उनको डर लगता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो डॉग का पूरा एक गैंग था वो उनके पीछे लग गया था और उनसे बचने के लिए उनको पूरी एक रात जो थी वो एक डस्टबिन के अंदर निकालनी पड़ी थी, जिसके अंदर से बहुत उसके अंदर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके ऊपर क्रैल करते रहते घूमते रहे थे। तो उस रात को बहुत ज़्यादा डर गए थे, इस दिन के बाद से उनको डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी ये नीज उनको देती है। तो दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम इज द ओपन विंडो, क्योंकि वो ओपन विंडो के ऊपर ही है कि उनको वहाँ से घोस्ट आता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में वो घोस्ट नहीं थे, मिसिस सेपरेटन के हस्बैंड और दोनों भाई बिल्कुल जिंदा थे, लेकिन नीज ने ये प्रैंक किया था मिस्टर सेपरेटन के साथ में। सो दिस इज द स्टोरी विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 7। सो रीड लिसन द वीडियो केयरफुली, रीड द चैप्टर, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड एंड इन द डिस्क्रिप्शन वी विल give you the answers of the question. Okay, so till then, goodbye. Thank you, Vita.